सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्परे परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, और अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो वन द सिंबल डॉन नौवे पृष्ठ की 34वीं पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम उनकी चेतना के साथ ऊर्ध्वारोहण कर ठीक ठीक देख सके, जान सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ऑल केम बैक टू हर अर्थ एंड लव एंड डूम द एंशियंट डिस्प्यूटेंट्स इनसर्कल्ड हर लाइक जाइंट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट द godheads फ्रॉम द डिम inconscient born awoke to struggle and the pang divine and in the shadow of her flaming heart at the sombre center of the dire debate a guardian of the unconsoled abyss inheriting the long agony of the globe a stone still figure of high and godlike pain stared into space with fixed regardless eyes kuch purv ka bhav lekar हम सरल भाव की ओर आगे चलते हैं। सावित्री के सत्ता स्तरों में उसके अंतरात्म पुरुष के जागृत एवं सचेतन हो उठने पर होने वाले दिव्य प्रकाशमान स्पंदनों के संस्पर्श से उसके शरीर के कोश कोश प्राण के तंतु तंतु मन के समस्त प्रवाहमान होने वाले विचारों में उसने इनके सामान्य जीवन स्तर के अंधियारे कक्षों में अद्भुत दिव्य प्रकाश के स्पंदन का, दिव्य संस्पर्श का अनुभव किया था। अब उसकी आत्मस्मृति के पट जो काल के अंधियारे शासन से बंद हुए थे, जड़े हुए थे, उनका कब्जेदार पल्ला सरक कर खुल पड़ा। खुल जाने से अपरा प्रकृति सीमा अतिक्रमण करते हुए परा प्रदेश स्थित आत्म प्रकाश की शाश्वतता की अद्भुत झलक एवं तत्क्षण मूल संबंध की स्मृति के अचानक आ जाने से अब काल शासित जीवन बिताने से उसके थके मांदे विचारों के चरण उठकर खुल पड़े आत्मा के दिव्य प्रकाश की ओर, और खुलकर अब बढ़ चले मन आत्मज्ञान प्रकाश से आलोकित हो उठा। तभी नियति एवं काल की अवचेतना तथा अज्ञानांधकार की समस्त शक्तियों ने, जब जब भागवत शक्ति
इस धरा पर अवतरित होती है किसी भी रूप में, तब तब अवचेतन अज्ञान अंधकार की शक्ति भी उतनी ही शक्ति से उद्भूत होकर विरोध के लिए जागृत हो उठती है। तभी नियति एवं काल की अवचेतन तथा ज्ञान अंधकार की समस्त शक्तियों ने अर्थात पृथ्वी प्रेम और अनिष्ट भावी की सृजन आरंभ से लेकर अब तक के बड़े पुरातन इन बेरियों ने सावित्री के निकट अब अपना चक्कर लगाया और उसके घर में अपना डेरा डाला। घर है उसकी सत्ता के स्तर, अंतरात्म पुरुष की सत्ता, ये शरीर प्राण मन हृदय भाव यही निवास करते हैं। उसके घर में अपना डेरा जमाया। अचित की महारात्रि में से जन्मे ये काल जनित देववृंद मानो सहसा जाग उठे हों और रात्रि के धुंधलेपन में इन पुरातन वेदियों के वृहद आकारों ने जो सदैव अचित शासन बरकरार रखने के लिए तत्पर उद्धत बने रहकर अंधकार का शासन कायम रखने हेतु सतत प्रकाश के विरोध में मल्ल युद्ध में रत आकारों ने अब सावित्री के इस सत्ता स्तरों में घर में डेरा डाला और आत्म चैतन्य प्रकाश विरुद्ध संघर्ष तथा दिव्य यातना सहने को, जो दिव्यता अंदर सावित्री के अवतरित हुई थी आत्म प्रकाश की शाश्वतता की, अब उसकी पीड़ा सहने के लिए भी ये सब तैयार, अंधकार अवचेतन। तो दिव्य यातना सहने को आज सम्मुख आकर प्रस्तुत हो गए और सावित्री के ज्वलंत अंतर के पीछे वाद विवादों के उस तमस केंद्र में बसती एक आश्वासन विहीन अज्ञान अंध महाछाया जो परात्पर संकल्प से एक से बहु बन जाने के उद्देश्य से अवतरित होकर नाना आकारों में स्वयं को अभिव्यक्त किया। यह परमात्मा चेतना ही स्वयं नाना रूपों आकारों में अपने को ढालती और अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त किया तभी से यह महागर्त का रक्षक अधिकारी जन्म मृत्यु पथ से विकास यात्रा के पथ पर वाद विवादों के इस तमस केंद्र से यह अज्ञान अंधकार प्रकाश में रूपांतरित हो सकने के आश्वासन से विहीन बना विकास क्रम के युगो युगों के ऊर्ध्व विकसित स्वरूपों को धारण कर सकने की यात्रा में जड़ जड़ से वनस्पति, वनस्पति से प्राणी और प्राणी से एक कोशी जीव धारण कर 84 लाख योनियों से क्रम क्रमशः विकसित होते हुए मन के प्रादुर्भूत होने पर अधिक विकसित अवस्था में यह मन मानव तक की यात्रा में जन्मी जगत की पीड़ाओं दुखों का यह महागर्त का चिर रक्षक अधिकारी अत्यंत शांत जड़ शीलावत महान
दुखकारी वह देवाधिदेव अपनी अपलक चितवन से दृष्टि से दिशाओं के अनंत में अपनी आंख गड़ाए अपलक चितवन से घूर रहा था। इसने दुख की काल विहीना गहराई तो भली भांति, काल विहीना क्यों, दुख सृजन आरंभ से ही आज तक चला आ रहा है, तो कोई नाप तोल नहीं है कि कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा। इसने दुख की काल विहीना गहराई तो भली भांति, सृजन आरंभ से लेकर अब तक देखी थी, परंतु एक दिन सब कुछ अभिव्यक्ति को स्वयं ईश्वर में रूपांतरित हो जाने के जीवन लक्ष्य ध्येय को इन बैरी देव वृंदों ने नहीं देखा था, किंतु सावित्री ने महादुख के इस रहस्य को आज अपने अंतर में सचेतन बनकर जाना था। तभी से मूक धरा सृजन अभिव्यक्ति के प्रारंभिक क्षण से ही धरती की जड़ अवचेतन में यह धरती सचेतन हो सकने एवं अति चेतन हो उठने के लिए सदैव प्रेरित यह महादुख करता ही रहता है। महादुख का अंकुश है महाकाल के पास, वह लगाता रहता है और हम विकसित वर्धित होने की ओर बढ़ते रहते हैं। प्रेम जिसका मूल दिव्य है, किंतु सृजन में रूपों आकारों में आत्म विशुद्धता से पतित होकर अपूर्णता में ही जीवन यापन हम कर सकते हैं, किंतु अब परमात्म प्रेम पूर्ण सामंजस्यता और एकत्व में अभिव्यक्ति पा जाने हेतु ललकारता है और मानव को उन्नत होते जाने के संकल्प को दृढ़ निश्चयी प्रकृति का कृत संकल्प काल मृत्यु जो धरती और प्रेम से भी कुछ ऊंची अधिकतम भारी पड़ती। अगर इतनी चीजों पे भी हम विकास न करें, जड़ के जड़त्व को भंग करके अधिक सचेतन न हो, तो तीसरा कौन, कुछ अधिक भारी पड़ती ये काल और मृत्यु, ये तीसरा पॉइंट है जिससे अस्तित्व में आए सभी जीव एवं मानव जाति का जीवन सदैव भयभीत रहते हुए अजरत्व अमृत्व पा जाने की चुनौती देता यह काल से निरखते मंद गति से सतत चेतना उर्ध्वारोहण से विकसित वर्धित होने की ओर प्रेरित रहते ही हैं, और स्वयं काल एक दिन अति चेतन प्रागट्य की वेला में स्वयं दिव्य प्रेम में रूपांतरित होने के अति चेतन स्तर पर लुप्त हो जाएगा। काल का इतना ही रोल है कि हम कैसे ईश्वरत्व तक अपने को विकसित कर लें, सचेतन कर लें। तब दुख पीड़ा व्यष्टि भावापन्न के अभिव्यक्ति परिणाम स्वरूप हमारी चेतना में
जो सदैव रचा बसाई रहता है, ये दुख ही हमें सृजन अस्तित्व में व्याप्त जड़त्व से मंद विकासोन्मुखता की वृद्धिंगत सचेतनता में सतत पीड़ित करते हुए उन्नत स्थिति में स्थित करते हुए अनथक श्रम से जड़ की खाई पाटते हुए जड़ के जड़त्व को कम करते हुए मानव तक विकसित कर ले आया है यह पीड़ा ही है। समूची धरा के चीर पीड़ा से पीड़ित समूची धरा को चीर पीड़ा से पीड़ित रखते हुए विकास पथ पर अग्रसर कराने का यह चिर उत्तराधिकारी का विश्वाकार महान देव दुख जड़वत परम शांत मुद्रा में संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तारित अनंत को अपलक चितवन से दृष्टि से सतत घूरा करता है। काल जनित पीड़ा दुख ही तो सृजन आरंभ में अभिव्यक्त बाह्य आकारों के जड़त्व को जो सतत पीड़ित करते हुए जड़त्व भंग से वृद्धिंगत मंद सचेतनता में बाह्याकार जड़ीभूत चेतना को क्रम विकास के मंद प्रगति पथ से मानव तक के विकास स्तर तक अभिव्यक्ति में ले आया है। यह पीड़ा दुख तब तक रहेगी जब तक चेतना पूर्ण सचेतनता में अभिव्यक्त न हो जाती, तब दुख का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सावित्री ने व्यष्टि भावापन्न अहम के कामना जीवन में व्याप्त दुख को अब सचेतनता पूर्वक अपने अंदर जाना था। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के इन सूत्रों मंत्रों को देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई इन दिव्य चेतना से हम निवेदन करें अवतरित हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व करे। इसी मनोभाव से कुछ पलों के लिए हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों में संपन्न होने जा रही है।